When I used to travel in train once upon a time every day for my work. एक समय था मैं नौकरी के स्थान तक पहुंचने के लिए रोज मैं ट्रेन में यात्रा करता था. So when I look at the slums of this city, Mumbai, I used to be so discouraged. How can I change all these things? This is a ruin of many, many centuries. और मैं जब इस रास्ते पर ट्रेन में मैं देखता था इतनी सारी झोपड़ियां हैं तो मैं उन्हें देखकर बहुत दुखी होता था कि ये कई सारे शतकों के जो नुकसान हमारे देश में पहुंचा है उसी के वजह से ये सारी बातें ऐसी है. One day when I was reading Isaiah 60, एक दिन मैं यशया 60वें अध्याय को पढ़ रहा था. He says, you know, verse 4. चौथा वचन. You will rebuild the old ruins. You will raise up the former desolations. You will repair the ruined cities, the desolations of many generations. और 61वें अध्याय में लिखा है चौथे वचन में, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे. I'll tell you what they have ruined in many generations. You can do it in one generation. और जो उन्होंने कई सारी पीढ़ियों में किया है, आप एक ही पीढ़ी में उसे बदल सकते हो. One generation is from 20 years to 40 years. और एक पीढ़ी उसका अर्थ है 20 साल से लेकर 40 साल तक. You can do it within 20 to 40 years. You can change this country. 20 से लेकर 40 साल तक आप इस पूरे देश को बदल सकते हो. You can change this country in just even one night. आप इस पूरे देश को एक रात में भी बदल सकते हो. That's it. God is so powerful. परमेश्वर इतना सामर्थी है. I believe in a God who is all powerful and all positive and all hopeful. और मैं ऐसे एक परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो सर्व सामर्थी है और सारी आशा उसी में बसी हुई है. Why power is given to us? और ये सामर्थ हमें क्यों दी गई है? It is just to promote the kingdom of God. ताकि परमेश्वर के राज्य को हम और आगे बढ़ा सके. Hey, power is not given us to do chicken curry in the house. और सामर्थ हमें घर में चिकन करी बनाने के लिए नहीं दी है. Now to give massage to each other. या एक दूसरे को मसाज देने के लिए नहीं दी है. No, power is given to us to establish the kingdom of God. सामर्थ हमें दी गई है ताकि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हम to कर सके. Expand the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को और हम बढ़ा सके. To take over the opposition, kill the opposition. और सामने जो दुश्मन है उसे खत्म करने के लिए हमें Finish the opposition. और उसका खात्मा करने के लिए हमें दिया है. And establish the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने हमें दिया है. God has not given us, you know, nuclear power. परमेश्वर ने हमें कोई न्यूक्लियर ताकत नहीं दी है. God has given us kingdom power. परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य दी His है. power which he uses, he has given us. और उसकी सामर्थ्य जो वो इस्तेमाल करता है उसने हमें दिया है. क्रिएटिव पावर. और उसकी सृष्टि करने वाली सामर्थ. रिजरेक्शन पावर. और पुनरुत्थान देने वाली सामर्थ. देयर आर टू पावर्स गिवन टू अस. और ये दो ताकतें परमेश्वर ने हमें दी है. वन इज द पावर ऑफ क्रिएशन. और एक सृष्टि करने की ताकत. वन इज द पावर ऑफ रिजरेक्शन. और पुनरुत्थान की ताकत. Every power can be destroyed in Jesus' name. हर एक और बाकी जो ताकतें हैं उसे यीशु मसीह के नाम से नाश किया जा सकता है. Old Testament begins with the creative power. और पुराना नियम सृष्टि करने की ताकत से शुरुआत होती New है. New Testament begins with the resurrection power. और नया नियम जो है वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य से शुरुआत होती Holy है. Holy Spirit is called as the power of God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ कहलाता है. Today we should know how we should need to live. और आज हमें यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार हमें जीना है. Many times we forget how we need to live. और कई बार हम भूल जाते कि हम किस प्रकार हमें जीना है. Let's turn to Matthew chapter 11 verse 12. मत्ती 11वां अध्याय 12वां वचन को हम देखें. From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. मत्ती 11 उसका 12वां वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है. जीसस क्राइस्ट इज सेइंग. और यीशु मसीह कह रहे हैं, द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स. और बलवान उसे बल से छीन लेते हैं. जीसस क्राइस्ट वॉज इंटेंशनल व्हेन ही सेड दिस. और यीशु मसीह वहां पूरा ही ध्यान लगाकर उसे ये बातों को कह रहे थे. व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड दिस इंटेंशन वी बिकम इररिलेवेंट इन दिस वर्ल्ड टुडे. और जब हम उसके उस मन को नहीं समझ पाते तो हम इस दुनिया में आज के दिन हम कोई संपर्क नहीं बना पाते. विचेस आर पैरालाइज्ड In front of the kingdom of God. और जादू टोना करने वाले वो ऐसे लाचार हो जाते, कमजोर हो जाते जब हम परमेश्वर के राज्य की ताकत इस्तेमाल करते हैं. One day in one street, somebody robbed something.
और एक दिन एक गली में किसी ने किसी की चोरी की. In that street there was also an astrologer. और उसी गली में एक एस्ट्रोलॉजर भी था. He is a witch. और वो वो जादू टोना करने वाला था. So everybody will go to him and he will tell you where the thing is. और सारे लोग उसके पास जाते थे और वो बताता था कि कहाँ पे वो बात छुपी हुई है. Okay, so he will call a child and he will paint the child with some liquid. तो वो एक बच्चे को बुलाता था और उस बच्चे पर एक रंग भर देता था. Okay, one day my Sunday school student was walking down the street in front of his house. और एक दिन मेरे संडे स्कूल का एक बच्चा वहाँ उस गली से गुजर रहा था. So that fellow, somebody asked him, where is this thing? Somebody robbed it. और एक कोई व्यक्ति उससे पूछ रहा था कि मेरे ये सामान किसी ने चुरा लिया है, ये कहाँ पर है? My Sunday school student was on the way, so this fellow called that boy who is already a child of God. Okay, I am teaching him every Sunday in the Sunday school, and he painted this child's hand with that liquid. और ये जो बच्चा वहां से उस गली से गुजर रहा था, जो पहले से परमेश्वर का संतान है, उसे संडे स्कूल में मैं रोज परमेश्वर का वचन सिखाता हूँ, उस बालक को वो बुला लेता है और उसके हाथ में ये द्रव्य लेकर वो रंग देता है. Nothing was seen. लेकिन कुछ उस पे दिख नहीं रहा था. So for again he pasted the liquid. तो फिर से वो रंग लगाने लगा. Then he put the paste in this hand. और फिर दूसरे हाथ में भी रंगने लगा. Nothing was seen. लेकिन कुछ दिख नहीं रहा. Then he finally asked, "Do you believe in Jesus Christ?" और फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? हाँ हाँ हाँ. तो उसने कहा हाँ हाँ हाँ. He said, "It won't work with you. Please go बाज में हट इधर आ." He asked somebody else to come and he put the paste. Immediately he could see. और वो कहने लगा कि अगर तुम विश्वास करते हो यीशु मसीह पर तो तुम पर ये काम नहीं करेगा. और वो दूसरे व्यक्ति को बुलाता है, उसका हाथ रंग देता है और तुरंत वो देख पाता है. Even if you are attending a Sunday school, there is such a great power which is in you which you don't know. और चाहे तुम संडे स्कूल छोटे बच्चों का बाइबल स्टडी में आप एक भागी हो, लेकिन ऐसी एक सामर्थ आप में आती है जिसके बारे में शायद आपको मालूम ही नहीं. यू आर अ पर्सन ऑफ पावर. आप सामर्थी एक व्यक्ति हो. यू वॉक लाइक अ वीक मैन. इट्स अ शेम यू ब्रिंग टू द किंगडम. और एक कमजोर व्यक्ति के समान चलना तुम परमेश्वर के राज्य के लिए निंदा लेकर आते हो. यू आर सो अप्रेस्ड बाय योर बॉस एंड यू लुक लाइक दैट. You bring shame to the kingdom. और तुम्हारे बॉस जो है वो तुम्हें इतना दबाव में रखते हैं और तुम इतने बुरे अवस्था में चलते हो, तो ये परमेश्वर के राज्य के लिए निंदा की बात है. One believer is coming and tell, Pastor, I am depressed. और एक विश्वासी आके मुझसे कहता है कि पासबान मैं निराशा में हूँ. He wanted me to pray over him. और वो चाहता था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ. Before I prayed over him, I said, shame on you. और उससे प्रार्थना करने से पहले मैंने उससे कहा, तुम पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें. You become a shame to the kingdom. तुम परमेश्वर के राज्य के लिए शर्म लेकर आते हो. You are saying, I am depressed. तुम कहते हो मैं निराश हूँ. I am oppressed. और मुझ पर दुष्ट दबाव है. What happened to the power which is already in you? जो सामर्थ तुम में पहले से है उसका क्या हुआ? बेच दिया. What is the use? इसका फायदा क्या? We are given power so that we can establish the kingdom of God. हमें सामर्थ दी गई है ताकि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सके. Otherwise, our birth is a waste. नहीं तो हमारा जन्म ये ही बेकार हो गया. Our mothers have given birth to us. हमारी माओं ने हमें जन्म दिया है. I tell you, it will be a waste that she has carried us for 9 months and given. Birth with such a pain in her body. और ये बेकार की बात हो जाएगी. इतने 9 महीने अपने घर में लेकर चली और इतने दर्द के साथ उन्होंने आपको जन्म दिया. I'll tell you, many people are building their ministries. कई लोग अपनी सेवकाई को बांध रहे हैं. They are building their churches. वो अपनी कलीसियाओं को बांध रहे हैं. Instead of caring for the kingdom of God, they are building their kingdom. और परमेश्वर के राज्य को संभालने से बढ़कर वो अपने ही राज्य को संभाल रहे हैं. Just because you are a pastor and you are building a ministry doesn't mean that you are doing the will of God. और केवल आप एक पासबान हो और आप सेवकाई में काम कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर के राज्य को बांध रहे हो. We have a great commission upon us. Jesus Christ has given us a commission. और यीशु मसीह ने ऐसा बड़ा एक काम हमें सौंपा था. कमीशन इज डिफरेंट, अपॉइंटमेंट इज डिफरेंट. और ये कमीशन अलग होता है और आपको अपॉइंटमेंट अलग होता है. कमीशन इज ऑलवेज डन बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी.
और कमीशन जो है सबसे उच्च अधिकारी ही कर सकता है. We have a great commission. हमारे पास एक बड़ा कमीशन है. But we have lost our influence on the nations. लेकिन राज्यों पे जो प्रभाव हमारा था उसे हमने खो दिया है. But the great commission has not changed. लेकिन जो ग्रेट कमीशन था वो बदला नहीं है. The compassion of Christ has not changed. यीशु मसीह की जो करुणा थी वो बदला नहीं है. The mandate he told us to go into all the world has not changed. जो सारी दुनिया में जाने का काम हमें सौंपा था वो नहीं बदला. Because today believers are going all over the world to earn money. क्योंकि आज विश्वासी जन दुनिया में सारे ओर जा रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सके. Where is the mandate? लेकिन परमेश्वर की दी हुई सौंपी हुई काम कहां पर? Where is your reaction to that mandate? और उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया कहां पर है? Today many leaders are just misguiding their parishioners. और आज कई सारे अगुए केवल अपने लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं. From what the Bible says. The truth it is. और बाइबल जो सच्चाई दिखा रहा है उससे विपरीत. The simplicity of the gospel is, it is not said to the people. और जो सुसमाचार की साधारण तरीके से सुसमाचार बताया गया है वो लोगों को बताया नहीं है. The simplicity. जो साधारण तरीके से. The simple can understand. साधारण लोग भी इसे समझ सकते हैं. That we need to establish the kingdom in this earth. कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हमें इस देश में करनी है. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy name be glorified. और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हुई और तेरे नाम की महिमा हो. Let us see what Jesus Christ is doing. हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं. Matthew chapter 9 verse 35 to 38. मत्ती 9 अध्याय 35 से लेकर 39वें वचन तक. Write it down. Matthew 9 35 to 38. और मत्ती 9 उसका 35 से लेकर 38 तक. Jesus was going about all the villages and cities. और यीशु सारे गांवों में सारे शहरों में जा रहा था. He was seeing a lot of people crowding and flocking him. और वो बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो वहां पर भीड़ जमा हो रहे थे. He was actually moved with compassion. और यहां पर लिखा है कि उसका हृदय करुणा से भर गया. And he said, let me read this verse 36. When he saw the multitudes he was moved with compassion for them. 36वें वचन में लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आ गया. He was so compassionate when he saw the people. और जब उसने लोगों को देखा तो उसका मन तरस से भर गया. And he said harvest is plentiful. और वो कहने लगा कटनी तो बहुत बढ़कर है. Harvest is plentiful. जो फल है ये पूरी तरीके से तैयार है. Laborers are few. लेकिन मजदूर कम है. In fact, you know what Jesus Christ is saying? सचमुच आप जानते हो कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? Revival is plentiful. और यहाँ बेदारी तो पूरे भरकर है. There is a great revival. और बड़ी बेदारी आई है. But the laborers are few. लेकिन मजदूर कम है. Today the church is sitting and praying, Lord, send us a revival. और आज कलीसिया यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर तू अपनी बेदारी को भेज. He said that the everything is ready for harvest. और यीशु तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी फल तो कटनी के लिए तैयार है. काटने के लिए तैयार है. This fellow is praying, Lord, let harvest come. और यहाँ पर कटनी के लिए फल तैयार है और यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम फल को भेज. See, today the church, it has, you know, become irrelevant because of these things. और ऐसे बातों की वजह से जो कलीसिया है वो गड़बड़ी में है. Jesus never said people are scattered because they are sinful. और यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि लोग बिखरे हुए हैं क्योंकि वो पापी है. In this place, Jesus is saying they are scattered because they don't have shepherds. और यहाँ पर लिखा गया है कि वो बिखरे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई चरवाहा नहीं है. Yes, there is not that any problem is there with them or with God. और ऐसे बात नहीं है कि उनके पास कोई परेशानी है या परमेश्वर के साथ कोई परेशानी है. No, every problem is with us. We have failed to understand what the Bible actually says to us. और ये सारी परेशानी हमारे वजह से है क्योंकि हमने बाइबल जो बातें कहता है उसे हमें सही तरीके से समझा नहीं है. The revival is plenteous. और ये बेदारी तो पूरी भरपूरी में है. In your Bible you write harvest is equal to revival. और आपने बाइबल में आप ये लिखे कि फल की कटनी वो आपकी बेदारी के साथ एक साथ ही है. Okay? Harvest and revival are synonymous. और हार्वेस्ट या पूरी फल की कटनी और आपकी बेदारी ये दोनों समानार्थी शब्द है. If you are living in a community, everyone is ready to receive Jesus Christ. और आप किसी भी समूह में आप रह रहे हो सारे लोग तैयार है ताकि वो यीशु मसीह को स्वीकार सके. The revival is plentiful.
और बेदारी तो भरपूरी में है. And the problem is there is no shepherd. लेकिन परेशानी यह है कि यहाँ पे कोई चरवाहा नहीं है. So let us pray that the laborers will open their eyes and see all the harvest and the revival. तो हम ये प्रार्थना करें कि जो मजदूर हैं वो अपने आंखें खोलकर देखें और इस बेदारी को वो देख सके. If you are a member of House of Prayer, I want to say something to you. अगर आप House of Prayer के सदस्य हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ. God has said very clearly, the laborers are few. और परमेश्वर ने बड़े साफ तरीके से कहा है कि मजदूर बहुत कम हैं. So sometimes you may be wondering, what is my calling? तो शायद से ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी बुलावट क्या है? The Bible says the laborers are few. और बाइबल ये कहता है कि मजदूर कम हैं. The shepherds are few. चरवाहे कम हैं. So I feel your calling is to be a laborer. तो मुझे ये लगता है कि आपकी जीवन की बुलावट एक मजदूर बनने का है. Your calling is to be a shepherd. आपकी बुलावट एक चरवाहा बनने का है. See, today we are not having House of Prayer as an entity where we are only coming inside the House of Prayer to work in House of Prayer. और आज हम House of Prayer में इसलिए नहीं जमा हो रहे हैं ताकि हम House of Prayer के अंदर ही काम करते रहे. Definitely there is lot of work in House of Prayer. निश्चित तौर पे House of Prayer में काफी काम है. Okay, there are people who come and work in the House of Prayer. और यहाँ पर लोग आते हैं और House of Prayer में अंदर ही अंदर काम बहुत चालू है. Okay, I am so grateful to every one of them. मैं इन सभी का धन्यवादी हूँ, धन्यवाद मानता हूँ. Some come every week. Every day, some come every week. Whenever time comes, some work on internet. There is so much of work in the House of Prayer. और बहुत सारा काम होता है. कुछ लोग हर दिन आते हैं और काम करते हैं. कुछ लोग हर सप्ताह आकर काम करते हैं. कुछ लोग जब जरूरत पड़ती है तब आकर काम करते हैं. कुछ लोग इंटरनेट के द्वारा वो निरंतर मदद कर रहे हैं और House of Prayer में काम कर रहे हैं. Wonderful. But you will not work in the House of Prayer at the expense of your work as a laborer outside. लेकिन आप House of Prayer में आप जो बाहर आपका काम है उसको छोड़कर आप House of Prayer में काम नहीं करोगे. People come into the House of Prayer to get trained so that they can go into their field. लोग House of Prayer के अंदर प्रवेश करते हैं ताकि वो तैयार होकर बाहर जा सके. Jesus Christ has great compassion on everyone around you. और यीशु मसीह बड़े ही करुणा से देख रहे थे, तरस खा रहे थे जितने लोग आपके इर्द गिर्द है. They are simply lost sheep. वो बहुत ही सरल तरीके से खोए हुए मेमने हैं. They are not lost goats. वो खोए हुए बकरी नहीं है. Now in the Bible, goat and sheep are very symbolic of people. और बाइबल में ये मेमने और बकरी ये दोनों बहुत ही चिन्ह के रूप में लिखा गया है. Goat is not pictured as a good animal. और जो बकरी है उसको बहुत ही एक अच्छे जानवर के समान वहां पर चिन्ह की तरह इस्तेमाल नहीं किया. Sheep is portrayed as a very good animal. लेकिन जो मेमना है उसे बहुत ही अच्छा एक जानवर के साथ तुलना की गई. So if you see this passage, Jesus never said unbelievers are goats. और यहाँ पर इस भाग को अगर आप देखें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जो अविश्वासी है वो बकरी के समान है. He has clearly said they are sheep who has no shepherd. और वो साफ कह रहे हैं कि वो ऐसे मेमने हैं जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है. But today when you see these believers, they always judge the unbelievers as no one. लेकिन आज आप अगर आप दुनिया में देखें तो जो विश्वासी जन है वो अविश्वासियों को बिल्कुल ही नकार देते हैं. They erect a wall between themselves and unbelievers. अविश्वासी और विश्वासी के बीच में वो ऐसा बड़ा एक दीवार खड़ा कर देते. There is a sense of superiority the believers carry. और विश्वासियों को ऐसा लगता है कि उन दूसरे अविश्वासियों से बढ़कर वो है. Many of these people, they think they are an elite society. और वो जो विश्वासी जन है कई बार वो सोचते हैं कि वो बहुत खास समूह है. But we should understand these unsaved people are also my brothers and sisters. लेकिन हमें समझना है जो ये अविश्वासी लोग हैं ये भी हमारे भाई और बहन हैं. They are found in all over the world. ये दुनिया में चारों ओर आप इसे इनमें पाओगे. If my work is all over the world, what is that we are doing inside the House of Prayer? अगर मेरा काम सारी दुनिया में है तो मैं House of Prayer के अंदर आकर क्या कर रहा हूँ? Our work is in the field. हमारा काम तो उस खेत में है. Where the potential believers are already there.
जहां पे ये जो विश्वासी बनने वाले हैं ये पहले से वहां पर है. An unbeliever is a potential believer. और एक अविश्वासी ये विश्वासी बनने वाला ही है. Or a pre-believer. या तो विश्वासी बनने से कुछ पूर्व. He can become a God carrier. और ये परमेश्वर को लेकर चलने वाला व्यक्ति बनने वाला है. I still remember so many people, young people of this house of prayer, they were all in the world. और मुझे अभी भी याद है house of prayer के कुछ जवान लोग जो पहले दुनिया में ही थे. कुछ नहीं, सारे जवान लोग, including me, we all were running in the world only. और हम सब यहाँ पर दुनिया में भाग दौड़ कर रहे थे. Somebody came and told us about Jesus Christ. कोई तो आकर हम मुझे यीशु मसीह के बारे में हमें उसने बताया. Because of that we are in the kingdom today. और उसी वजह से आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं. Now instead of erecting a wall between us and them, you have to break every wall and you have to run out of house of prayer into the field where these brothers and sisters are there every day. तो अब हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ा हमें नहीं करना है, बल्कि सारे दीवारों को तोड़कर हमें आगे खेत में बढ़कर दौड़कर जाना है और उनको यहाँ पर लेकर आना है. Before you touch, you ask for their hand. You should touch their heart. आप उनके हाथ को धरने से पहले पहले आप उनके हृदय को छू लो. When they see you as only depressed, how they will come to Jesus Christ? जब वो देखते हैं कि हम स्वयं ही यहाँ पर बहुत निराश हैं, तो वो यीशु मसीह में क्यों आएंगे? Definitely, we have a responsibility not inside the house of prayer, outside the house of prayer. और निश्चित तौर पर हमारे एक जिम्मेदारी है, वो house of prayer के अंदर नहीं, बल्कि house of prayer के बाहर जाकर है. Jesus Christ has potentially paid the price for everyone's salvation. और यीशु मसीह ने सारे लोगों के उद्धार के लिए दाम चुका दिया है. The grace of God is powerful enough to bring everyone inside the kingdom of God. और परमेश्वर का अनुग्रह इतना सामर्थी है कि वो सारे लोगों को भाव जो प्रेयर के अधीन या परमेश्वर के राज्य के अधीन ले आ सकता है. When the price is already paid, जब दाम पहले से चुका दिया है, when the everything is done for them to come inside, और सारा काम पूरा कर चुके हैं जिसको ताकि वो लोग अंदर आ सके, they have not come inside because we have not gone outside, और वो अंदर नहीं आए हैं क्योंकि हम बाहर नहीं गए हैं. First and foremost, we need to find out where is my domain. और पहले तो हमें ये खोज निकालना है कि मेरा क्षेत्र कौन सा है. You go there and you spend your time with those people and bring them into a realization of the truth. और आप उस क्षेत्र में प्रवेश करें और उन लोगों को सच्चाई की हकीकत का सामना करवाएं. If you don't know where to start, you can gift this book, Money, Sex, Power. That is a very good way you can open the door for them. अगर आप नहीं जानते कि कहां शुरुआत करें, तो ये जो किताब है मनी सेक्स पावर, इसे आप उन्हें भेंट की तरह दे और एक दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा. यू नीड नॉट बी अ लीडर और अ पास्टर और अ वर्शिप लीडर और एनीवन टू गो एंड वर्क इन द वर्ल्ड. और आपको कोई पासबान या वर्शिप लीडर या और कोई व्यक्ति आपको बनने की जरूरत नहीं ताकि आप दुनिया में जाए. You just have a heart to care for people. I tell you, you will go and preach the gospel. और आपका केवल ऐसा एक हृदय हो जो दूसरे लोगों को संभालने की इच्छा रखता हो, और आप दुनिया में जरूर जाओगे. If you can only love your fellow neighbor and fellow sister and brother, you can bring many to Jesus Christ. अगर आप केवल अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने पड़ोसी भाई बहन से प्रेम करें, तो उन लोगों को सभी को आप यीशु मसीह में ला सकते हो. I'll tell you, we are here to expand the kingdom of God. मैं आपसे कहता हूं, हम यहां पर है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके. So when you expand, the power is available to you. और तो जब हम बढ़ते जाते हैं, ये ताकत हमें दिया जाता है. Cancers will be healed. और जो कैंसर है उन्हें चंगाई मिल जाएगी. Tumors will be broken. और जो गांठ है वो पूरी तरह से टूट जाएंगे. Sicknesses will be healed. बीमारियां चंगे हो जाएंगे. Miracles will happen. और चमत्कार होने लगेंगे. Finances will change. आर्थिक अवस्था बदल जाएगी. Family situations will change. परिवार की अवस्था बदल जाएगी. Impossible things will happen. और असंभव बातें वहां घटेगी. Visas will be given. और वीजा उन्हें दिया जाएगा. Profits will come. मुनाफा आएगा. Child will be born. बच्चे जन्म लेंगे. You just lay hands. Use yourself to expand the kingdom. और आप केवल अपने हाथ को बढ़ाए, आप अपने आप का इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए. Power you are carrying. क्योंकि ये सामर्थ आप लिए चल रहे हो. You carry the power of God. आप स्वयं परमेश्वर की सामर्थ लिए चल रहे हो. You have to bring glory to God. आपको परमेश्वर को महिमा लेकर आना है. You have to do His will on earth. और उसकी इच्छा आपको इस पृथ्वी पे पूरा करना है. We all need money to eat. और हम सभी को पैसों की जरूरत है खाने के लिए. Don't spend all your time in earning money.
और अपना सारा समय इस पैसे कमाने के पीछे मत लगा दे। We all we need good relationships, good friendships. और हम सबको अच्छे रिश्तों की जरूरत है, अच्छे मित्रता की जरूरत है। We don't spend all the time, you know, working on your friends and relatives. और हम अपने रिश्तेदारों पे और अपने दोस्तों पे पूरा काम करने में हमारा समय नहीं बर्बाद करते। We need good health. हमें अच्छी सेहत की जरूरत है। We cannot spend all the time building our health. और हमारे सेहत को बढ़ाने के लिए पूरा समय हम व्यर्थ नहीं कर सकते। You know why your mother gave birth to you? क्या आप जानते हो आपके माँ ने आपको जन्म क्यों दिया? Let me tell this. ये आपको बताना चाहूँगा। Just to bring the kingdom of God in this world. और ताकि परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में आप लेकर आ सके। To bring everyone you touch into the kingdom of God. जिन किसी लोगों को आपने छुआ है उसे परमेश्वर के राज्य में लेकर आने के लिए। When we don't do this, जब हम ये नहीं करते, we become a waste in the eternal point of view. हम अनंत काल के तौर पर हम व्यर्थ के बेकार के व्यक्ति बन जाते हैं। God has not created us to worship him. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि उसकी आराधना करने के लिए केवल नहीं बनाया। Many believers are thinking that way and they are only worshiping God. और बहुत से लोग ये समझकर केवल परमेश्वर की आराधना करते बैठे हैं। We are not here to pray. और हम यहाँ पे केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठे। We are not here to talk in tongues. और केवल अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं है। Only one thing which we all need to do. और एक ही कार्य है जो हम सभी को करना है। Okay, this is universal. और ये सारे भूमंडल के लिए सत्य है। You become a laborer. आप एक मजदूर बन जाएं। You find your domain. आप अपने क्षेत्र को खोज लें। And you have domain. और उस पर आप राज्य करें। Let us not follow these churches which has become misfits. They have never done anything to realize the great commission. और हम ऐसे कलीसियाओं के समान ना बन जाए जिन्होंने अपने कर्तव्य को ना जानकर वो परमेश्वर के राज्य के लिए असफल बन गए हैं। Probably they began with a bang. शायद से उन्होंने शुरुआत बड़े धमाके से की थी। But they failed in their purposes. लेकिन जो लक्ष्य उनका था उस पर वो हार चुके हैं। Today if you are listening to me, अगर आज आप मेरी बातों को सुन रहे हो, unite with me. आप मेरे साथ जुड़ जाएं। If you have not found your domain, you find your domain. अगर आपने अपने क्षेत्र को पाया नहीं है तो आप पहले उसे पा लें। If you are actually troubled by the power of the evil, power of human beings, power of oppression, suppression, depression, you realize that the power of God in your personal life. अगर आप ऐसे दुष्ट ताकतों से आप पीड़ा सह रहे हो, दुष्ट आत्माओं से पीड़ा सह रहे हो, दुष्ट दबाव से पीड़ा सह रहे हो, तो पहले आप समझ ले कि आपके जीवन में स्वयं कितना ताकत है। Why should you die as a casualty? आप ऐसे ही आपकी जान क्यों चली जाए? Let us establish the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें। May the Lord work in through us and in us. और परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे जीवन में कार्य करें।